हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो मैंने ऑपरेशन एम्पलीफायर से ली है। हम जानते हैं कि जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होते हैं, मैंने उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। उसका इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है, और किसी समय पर ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, और बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है। तो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की ये प्रॉपर्टी है। और एक ऑपरेशन एम्पलीफायर वो होता है जिससे हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हों। जैसे एक ऑपरेशन एम्पलीफायर से हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिग्नल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसी समय पर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉगरिथम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं किसी समय पर ऑपरेशन एम्पलीफायर के। तो लगातार क्वेश्चन आते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर पर, इसलिए मैंने इस वीडियो में कुछ ऑपरेशन एम्पलीफायर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। एक हमारा किसी समय पे ये नेगेटिव टर्मिनल है ऑपरेशन एम्पलीफायर का, एक पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 किलो ओम लगा हुआ है, और ये फीडबैक के अंदर 7 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है किसी समय पे ऑपरेशन एम्पलीफायर का, उसके अक्रॉस ये वोल्टेज लगा हुआ है V1, इसके अक्रॉस से रेजिस्टेंस 10 लगा हुआ है, 10 किलो ओम का, और 5 किलो ओम का इधर लगा हुआ है। और ये किसी समय पे ये जो आउटपुट है V2 वो R2 के अक्रॉस ले रखा है, करंट I2 इधर फ्लो कर रही है। तो इसका डायग्राम है, किसी समय पे V2 अपॉन V1 हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि इन दोनों की रेशो क्या होगी। तो इसे कैलकुलेट करने का जो सबसे सिंपल मेथड है वो ये है कि किसी समय पे यहाँ पे हम वोल्टेज कैलकुलेट कर लें। तो जब यहाँ पे हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो इस सर्किट के अंदर पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट हमारे पास आएगी किसी समय पे V1 अपॉन 5 प्लस 10, क्योंकि इसका इनफाइनाइट इम्पीडेंस होता है, तो जो करंट यहाँ से फ्लो करेगी वो सारी की सारी इधर आ जाएगी। तो जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो होगी I = V1/10+5, और जब इसके अक्रॉस हमें यहाँ ए पॉइंट के ऊपर किसी समय पे V1 चाहिए जो VA है, तो जो हमारे यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/5+10 × V1, क्योंकि जो हमारे पास में किसी समय पर करंट है वो है V1/5+10, और जो हमारे पास में V = IAR लगाएंगे तो V आ जाएगा 5V1/5+10V1/3, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा। उसके बाद हम क्या करें, किसी समय पे V2 की वैल्यू जो हमारे पास होगी, V2 और जो यहाँ पे ये वोल्टेज यहाँ होगा, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ होता है वो A पॉइंट के ऊपर वही V पर होता है, क्योंकि यहाँ इनफाइनाइट इंपीडेंस ऑफर करता है, तो इन दोनों टर्मिनलों के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करती। तो करंट केवल तब फ्लो नहीं करती जब हमारा जो पोटेंशियल है वो सेम हो दोनों पॉइंटों पे, तो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे पोटेंशियल सेम होता है। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो V2 की वैल्यू VA के टर्म्स में होगी, जो यहाँ पोटेंशियल लगेगा वो हो जाएगा V2 = 1+ ये रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस, 1+RF जो यहाँ फीडबैक में लगा हुआ है अपॉन R1, RF को R2 कह दिया है, तो 1+7/2 और VA, और VA हमने यहाँ से कैलकुलेट किया हुआ था V1/3, तो यहाँ पुट कर दें। जैसे हम इसे पुट करेंगे तो ये पहले तो ये 9/2 VA आ जाएगा, और VA की जगह पे 1/3 V1 रख दें, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 1.5 V1। उसके बाद हम गेट कर पाएंगे V2/V1 = 1.5। तो ये इसका तरीका है सॉल्व करने का, और भी डिफरेंट मेथड से इसे सॉल्व करके देखें किसी समय पे। और ऑपरेशन एम्पलीफायर में किरचॉफ्स लॉ के वोल्टेज अप्लाई करना सीख लें, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, तो काफ़ी आसान रहता है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। उसके अलावा हमारी ये जो दूसरी प्रॉब्लम है वो एम्पलीफायर से है। एन एम्पलीफायर हैज एन ओपन सर्किट वोल्टेज गेन ऑफ 1000। एक एम्पलीफायर की ओपन सर्किट वोल्टेज गेन दे रखी है 1000। एन आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम जो यहाँ पे लगा हुआ है किसी समय पे, आउटपुट रेजिस्टेंस 15 ओम एंड एन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 7 किलो ओम, ये इनपुट रेजिस्टेंस लगा हुआ है 7 किलो ओम का। इट इज सप्लाइड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स ऑफ EMF 10 mV, यहाँ से जो सिग्नल लगा हुआ है वो 10 mV का है। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 kΩ, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है किसी समय पे 3 kΩ है इसका, किसी समय पे सप्लाई का जो सिग्नल सोर्स है। एंड एम्पलीफायर फीड ए लोड ऑफ 35 ओम, जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 35 ओम का है। कैलकुलेट करना है डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या हमें करंट कितनी होगी, I1 कितना होगा, उसके अलावा V1 कितना होगा, वोल्टेज गेन कितना होगा, करंट गेन कितना होगा, पावर गेन क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कई बार कंपटीशंस में। तो ये क्वेश्चंस हम इसे सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स के वोल्टेज करंट लॉ का यूज हम इसमें करते हैं।
तो आई वन जो इसमें करंट फ्लो करेगी यहाँ किसी समय पे इनपुट पे, वो ई एस अपॉन जो आर एस है सिंगल का रेजिस्टेंस, जो हमारा सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, अपॉन आर एस प्लस आर इन कर देंगे तो आई वन की वैल्यू हो जाएगी ई एस अपॉन आर एस प्लस आर इन। ई एस की वैल्यू हमें दे रखी है किसी समय पे, ये हमारे पास है 10 मिली वोल्ट, तो इसको रख दें 10 मिली वोल्ट को 10 × 10⁻³। आर एस की वैल्यू को रख दें किसी समय पे, आर एस हमें दे रखा है 3 किलो, तो इसको 3000 ओम में बदल लें, आर इन ले लें 7 किलो, तो ये हमारा हो जाएगा 7000 ओम। इसको सॉल्व कर दें तो आई वन की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁶ एम्पीयर। उसके बाद जो वी वन है, जो यहाँ पर हमें किसी समय वोल्टेज होगा, वो आई वन इंटू आर इन होगा, तो वी वन की वैल्यू हो जाएगी आई वन इंटू आर इन। आई वन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की हुई है 10⁻⁶, और आर इन जो है वो 7 किलो ओम है, तो 7 किलो ओम को ओम में बदल लें तो ये 7000 से इसको मल्टीप्लाई कर दें आर इन की वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगा 7 × 10⁻³ वोल्ट। किसी समय पे जो हमारा ए वी होगा वो वी टू अपॉन वी वन होता है, और वी टू अपॉन वी वन जो वोल्टेज गेन है उसकी वैल्यू होती है ए नॉट आर एल अपॉन आर आउटपुट प्लस आर एल, तो ए नॉट की वैल्यू रखते हैं किसी समय पे 1000, आर एल की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 35 अपॉन आर आउटपुट प्लस आर एल कैलकुलेट कर लें, आर आउटपुट है 15 ओम और आर एल है 35 ओम, तो ये यहाँ से सॉल्व कर लें ये हमारा आ जाएगा 700। उसके बाद आउटपुट पावर निकाल लें, आउटपुट पावर होगी वी टू स्क्वायर अपॉन आर एल, और किसी समय पे जब हम ये वैल्यू रख देंगे वी टू स्क्वायर की वैल्यू, ये वी टू की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे पहले, वी टू बराबर 700 वी वन से, क्योंकि वी टू हमारा हो जाएगा वी टू अपॉन वी वन है 700, तो वी टू हो जाएगा 700 वी वन, तो 700 और वी वन की वैल्यू रखते हैं 7 × 10⁻³, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसी समय 4.9 वोल्ट। तो आउटपुट पावर का फॉर्मूला लगा दें वी टू स्क्वायर अपॉन आर एल, और वी टू हमें कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर 4.9, तो 4.9 का स्क्वायर अपॉन आर एल की वैल्यू 35, तो ये आ जाएगा 0.666 वाट। पी एन कैलकुलेट कर लें इनपुट पावर, वो हो जाएगा वी वन स्क्वायर अपॉन आर एन, तो वी वन की वैल्यू रखते हैं जो वी वन हमने किसी समय पर कैलकुलेट किया हुआ है दिस वन, तो 7 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन आर एन, आर एन की वैल्यू पुट कर दें 7 किलो, इसे ओम में बदल लें 7000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 10⁻⁹ वाट। उसके बाद किसी समय पर पी इन हमें पता चल गया, पी आउटपुट पता चल गया, तो पावर गेन हो जाएगा पी टू अपॉन पी वन, तो 0.686 को 7 × 10⁻⁹ से डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा 98 × 10⁻⁶, ये हमारी पावर गेन हो जाएगी, ये हमारे पास वोल्टेज गेन है। और करंट गेन के लिए भी फॉर्मूला याद रखें, ए आई का एक्सप्रेशन करंट गेन का होता है I2/I1 बराबर ए नॉट आर इन अपॉन आर आउटपुट प्लस आर एल, ए नॉट यहाँ पे ये गेन है जो हमें गिवन है ओपन सर्किट वोल्टेज गेन, ये गेन हमें यहाँ पता है, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दें, आर इन पता है, आर इन इस सर्किट में दे रखा है, ये हमारा आर इन है 7, उसके बाद आर आउटपुट और आर एल दोनों ये हमें पता है सर्किट के, तो यहाँ से हम करंट गेन निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने जो यूज किया प्रॉब्लम में, इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं कम्युनिकेशंस की दुनिया में, जहाँ हमें किरचॉफ्स के वोल्टेज और करंट लॉ को यूज करना पड़ता है, तो उसके ऊपर ये अप्लाइड प्रॉब्लम थी, और साथ साथ ये भी कोशिश थी कि इक्विवेलेंट जो सर्किट है किसी समय पे एक एम्पलीफायर का हम कैसे बनाएं। तो हम जानते हैं कि जो किसी समय पे ट्रांजिस्टर होता है वो किसी समय पे वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और वो बेसिकली क्या करता है कि जो हाँ गेन किसी समय पे इनपुट पे कम पावर होती है और आउटपुट पे पावर हमें ज़्यादा होती है, और उसका जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है किसी समय पे लो रेजिस्टेंस से उसे हाई रेजिस्टेंस की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे उसको सिग्नल को पावर मिल जाती है। तो ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। हमारे 3 तरीका के ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशंस होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। कॉमन इमीटर का हमें सबसे एडवांटेज है, क्योंकि कॉमन इमीटर में हमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसके अंदर वोल्टेज गेन, पावर गेन काफ़ी अच्छे हमें मिल जाते हैं, तो हम सदा कॉमन इमीटर कॉन्फिगरेशन को यूज करते हैं, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में वो यूज होता है। कॉमन बेस जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में यूज होता है, और जो हमारा किसी समय पे जो हम इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इन चीज़ों को सबको ध्यान रखें, साथ साथ ये भी याद रखें कि जब हम किसी समय पे एम्पलीफायर को करते हैं तो जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर रहा था। उसके अलावा यहाँ मैंने कुछ चीज़ें इसके बारे में बताई हैं कि किसी समय पे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं, एक होता है इमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। इमीटर की जो डोपिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बेसिकली जो इमीटर करंट है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों के सम के बराबर होती है,
तो इमीडिया की डोपिंग को सबसे ज़्यादा रखते हैं, और किसी समय पर बेस करंट को हम कम रखना चाहते हैं जिससे गेन ज़्यादा मिले, तो बेस जो करंट है उसको कम रखते हैं। बेस करंट को कम रखने के लिए हम डोपिंग को कम यूज करते हैं वहाँ पे, और मॉडरेट डोपिंग हम यूज करते हैं किसी समय पे कलेक्टर के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और आई बराबर आई बी प्लस आई सी याद रखें। बीटा जो होता है किसी समय पे वो अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा होता है। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो किसी समय पे वो डेल आई सी अपॉन डेल आई होती है, और बीटा जो होता है वो हमारा डेल आई सी अपॉन डेल आई भी होता है। जहाँ आई सी और आई बी और आई जो है, आई सी कलेक्टर करंट को, आई बी बेस करंट को, और आई मीटर करंट को नोट करती हैं। तो ये सब चीज़ें याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखें कि जो हमारा किसी समय पर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस होता है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट में 180 का फेज होता है। तो किसी समय पर जो हमारा ट्रांजिस्टर का काम है वो फेजफुल एम्पलीफिकेशन होता है, कि किसी समय पर जो सिग्नल है जो हमें इनपुट मिल रहा है वो आउटपुट एम्पलीफाई मिले और उसकी सेप डिस्टर्ब ना हो। अगर उसकी सेप डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको अनफेजफुल एम्पलीफिकेशन कहते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई भी हो, सिग्नल को एम्पलीफाई भी करे, और साथ साथ उसकी शेप को डिस्टॉर्ब ना करे। तो डिस्टॉर्शन जो है वो शून्य होना चाहिए आइडियली। तो ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। उसके अलावा मैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ इसमें। हमारे जो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है वो होता है एस बराबर डी आई सी अपॉन डी आई सी एट कॉन्स्टेंट बीटा एंड आई बी। तो बीटा और आई बी के ऊपर कलेक्टर करंट का चेंज और कलेक्टर लीकेज करंट का जो चेंज है वो स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, और किसी आइडियल मैकेनिज्म का जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है कि जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर 1 हो, लेकिन अराउंड 10 भी अगर स्टेबिलिटी फैक्टर है तो मैकेनिज्म भी अच्छी मानी जाती है। फिक्स्ड बायस मेथड के अंदर जो स्टेबिलिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो मेथड हम कम यूज करते हैं। और हमारे पास जो बायसिंग के मेथड होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें फिक्स्ड बायस मेथड, बायसिंग विद फीडबैक रेसिस्टर, और एक हमारा होता वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड। तो आजकल हम वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड यूज कर रहे हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा उसे वीडियो में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। उसके अलावा इसका फॉर्मूला होता है बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डी आई बी अपॉन डी आई सी। फिक्स्ड बायस मेथड में डी आई बी अपॉन डी आई सी की वैल्यू 0 होती है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स्ड बायस के मेथड के इसके अंदर स्टेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो बीटा प्लस 1 होती है। तो बीटा हमें देगा, स्टेबिलिटी फैक्टर पूछेगा, क्योंकि डी आई बी अपॉन डी आई सी 0 होता है फिक्स्ड बायस मेथड में, तो इसलिए स्टेबिलिटी फैक्टर बीटा प्लस 1 होता है। बीटा जो है काफ़ी ज़्यादा हम रखते हैं 50-60 और उससे ऊपर, तो स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा आ जाता है फिक्स्ड बायस में, जिससे उस मेथड को हम कम यूज करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। उसके अलावा मैं लगातार कम्युनिकेशंस की दुनिया में 2 प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इनके पैटर्न के ऊपर आती रहती हैं, ऑपरेशन एम्पलीफायर का इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर, उसके ऊपर मैंने ये 2 प्रॉब्लम डिस्कस की हैं इस वीडियो में। इस बार ये क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न का नेट में आया था और इस पर क्वेश्चन आता रहता है, मैं उसे भी डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा आइडिया दूंगा उसमें, क्वेश्चन में गलती थी मैंने डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ एक बार फिर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर पहले थर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि इफ स्क्वायर वेव इनपुट इज अप्लाइड कैलकुलेट आउटपुट कर्व, इंटीग्रेटर दे रखा है, किसी समय पर इनपुट वोल्टेज के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 किलो ओम का, और फीडबैक में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 10 माइक्रोफेरेड का, और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है, नेगेटिव पर हमने अप्लाई किया है, वी आउटपुट पूछा है। तो क्या होगा कि वी आउटपुट में क्या होता है, जब फीडबैक के अंदर कैपेसिटर लगा होता है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव टर्मिनल के डायरेक्ट लगा रहता है और उस पर इनपुट वोल्टेज लगा होता है, तो जो सिस्टम है वो इंटीग्रेटर की तरह बिहेव करता है। मैंने इंटीग्रेटर पे एक वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना। तो वी नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी -1/RC 0 से लेकर t vi/dt, क्योंकि इंटीग्रेटर जो होता है किसी समय पर उसका आउटपुट ये होता है वी नॉट बराबर -1/RC 0 से लेकर t vi/dt। RC की वैल्यू कैलकुलेट कर लें यहाँ पे, और टाइम देखें यहाँ, तो हमारे पास जो सिग्नल है उसमें टाइम दे रखा है, उधर इनपुट दे रखा है, तो वी नॉट की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से जब RC हम सॉल्व कर लेंगे तो 100 किलो ओम और 10 माइक्रो फैरड इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेकंड आ जाएगा, तो इसको 1 रख दें, तो वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी -0 से लेकर t vi/dt। उसके बाद हम क्या करें कि जब हमारा किसी समय पर हम इंटीग्रेट करने चलेंगे तो ये जो किसी समय पर 1 वोल्टेज होगा और यहाँ पर हम ले कर चलेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस वाले रीजन का और नेगेटिव यहाँ पर साइन होगा, तो हमारे पास में ये फिक्स हो जाएगी वैल्यू 1, और ये टाइम के हिसाब से वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि 1 बाहर आ जाएगा किसी समय पे और dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा, तो यहाँ से हम देखेंगे -t आ जाएगा, तो ये -t का कर्व इस टाइप का आएगा, ये -t दिस वन, तो हम देख रहे हैं कि -t कर्व है नेगेटिव में, और ये जो वैल्यू है वो -1 तक जाएगी, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है किसी समय पर t को हम ले रहे हैं 0 से 1, क्योंकि यहाँ 0 से 1 सेकंड पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे,
तो 0 से 1 तक जो वैल्यू हमारे पास होगी वो किसी समय पे -1 की तरफ कोई अप्रोच करेगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि की वैल्यू जब 1 की तरफ अप्रोच करेगी, की जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा तो नेगेटिव जो वोल्टेज है आउटपुट का वो नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा। तो वी नॉट की जो वैल्यू है वो किसी समय पर वो -1 होगी। उसके बाद हमारी जो साइकिल है, जब हम ये देखेंगे ये साइकिल आ जाएगी, किसी समय पर नेगेटिव लगेगा 1 से लेकर 2 सेकंड के बीच में, तो एक नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा सिग्नल का और एक नेगेटिव है साइन से आ जाएगा, तो ये पॉजिटिवली इधर की तरफ को बढ़ना शुरू हो जाएगा किसी समय पर कर्व, जब टी की वैल्यू 1 से लेकर 2 होगी। उसी तरीका से फिर 2 से 3 में और 3 से 4 में हम समझाते चले जाएंगे, तो इस टाइप का एक कर्व हमें ट्रायंगुलर जो है नेगेटिव साइकिल ऑब्टेन हो जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अगर यहाँ से ये साइकिल हम रिवर्स कर देंगे तो ये कर्व हमारा जो है, अगर ये साइकिल यहाँ से शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे किसी समय पे कि जो ये कर्व है इस वाले पॉइंट से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़े थोड़े वेरिएशन से ही क्वेश्चंस में बदलाव आ जाते हैं, तो ध्यान रखें। साथ साथ एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको याद रखें कि जब ये हम किसी समय पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम ये देख लें कि जब हमारा वोल्टेज किसी समय पर पॉजिटिव साइकिल में आएगा तो यहाँ आउटपुट हमारा नेगेटिव में जाएगा, और किसी समय पर अगर ये नेगेटिव में जा रहा होगा तो ये पॉजिटिव में जाएगा, लेकिन जब टाइम की हम वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, इधर नेगेटिव से वैल्यू ऊपर की तरफ को पॉजिटिवली बढ़ती चली जाएगी। तो इस टाइप की ये साइकिल आएगी। उसके अलावा एक प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की है किसी समय पे डिफरेंशिएटर से इसी वीडियो में, इसमें हमारा क्या है, 0 से 5 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई हो रहा है किसी समय पे, और ये इस ड्यूरेशन में अप्लाई होता है जब टाइम यहाँ से यहाँ तक चलता है, फिर ये इस साइकिल में 0 रहता है, फिर ये उसके बाद इस समय पे फिर से सिग्नल अप्लाई होता है। तो इस टाइप से हमारा किसी समय पे है। तो हम देखें कि ये पहले जो आउटपुट होता है, हम ये जान लें कि जब किसी समय पे कैपेसिटर, ये हमारा इनपुट सिग्नल यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो ये याद रखें कि जब कैपेसिटर हमारा किसी समय पे इनपुट के सामने सीरीज में रखा हो और रेजिस्टेंस जो किसी समय पे फीडबैक में लगा हुआ हो तो डिफरेंशिएटर सर्किट होता है। तो वी नॉट जो होता है वो होता है -RC dVi/dt, क्योंकि किसी समय पर जो हमारा डिफरेंशिएटर होता है वो इनपुट वोल्टेज को डिफरेंशिएट करता है, तो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है -RC dVi/dt। साथ साथ एक कंसेप्ट और भी याद रखें कि यहाँ अगर हम आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाना चाहते हैं तो आरसी की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तो आरसी की वैल्यू कम रखने से आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है इन द केस ऑफ हमारे पास में इंटीग्रेटर में आरसी को कम रखना चाहते हैं, यहाँ आरसी की वैल्यू को ज़्यादा रखना चाहते हैं अगर हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, और ये नेगेटिव फेज को बताता है। तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो -RC की वैल्यू को देखेंगे तो -1 kΩ, R की वैल्यू यहाँ पे 1 kΩ है, C की वैल्यू है 0.1 μF है तो उसको भी ले लें, और dVi/dt आ जाएगा ये, तो ये वैल्यू dVi/dt फिर हम कैलकुलेट करें कि किसी समय पे यहाँ देखें, यहाँ जो हमारे पास समय जैसे ही 0.1 μS बढ़ता है, ये हमारे पास में जो वैल्यू है किसी समय पे वो हम देखें, इसकी जो वैल्यू है वो 0.1 μS है अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 0.1 μS है और dVi जो है वो 5 वोल्ट तक बढ़ता है, तो dVi/dt की वैल्यू 5×10⁻V/s आ जाती है। इस वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके -5 वोल्ट आ जाती है। तो हम देखें यहाँ पर जो हमारे पास है किसी समय पे ये जो गेन है वो नेगेटिवली चाहेगा वोल्टेज, और ये हमारा -5 वोल्ट में मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा इस ड्यूरेशन पे सिग्नल, जब हमारा सिग्नल यहाँ लगेगा तो ये हमारा जब सिग्नल यहाँ लगेगा तो हमारा जो कर्व है वो यहाँ से शुरू होगा। उसके बाद जब हमारा ये रीजन आएगा किसी समय पे तो ये कांस्टेंट होगा किसी समय पे, और जो Vi है वो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो dVi/dt 0 हो जाएगा, V आउटपुट 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये रीजन आ गया। अब हमारी जो साइकिल है किसी समय पे हम देखेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव साइकिल, ये हमारे पास नेगेटिव कर्व आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, उसके बाद हम आगे की साइकिलों को समझा पाएंगे, तो उसी टाइप से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन Gate 2012 से मैंने लिया है। Gate 2012 में मैं जो क्वेश्चन देख रहा हूँ वो है कि जर्मेनियम, ये जो क्वेश्चन है ये केवल यहाँ तक की साइकिल इसमें दिखाएं, दिस वन, ये केवल इसके लिए दिखा दें, और किसी समय पे हमारे पास एक जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है वो डॉप्ट किया जाता है, एसेप्टिकल इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन ऑफ 10^15 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, होल मोबिलिटी दे रखी है 1800 cm² / V/s, रेसिस्टिविटी पूछी है, तो रो की वैल्यू को ले लें 1/NEμ, यहाँ पे ये जाने के सिग्मा जो होता है किसी समय पे वो होता है हमारा NEμe, जो सिग्मा ई होता है, उसके बाद जो सिग्मा एच होता है वो होता है हमारा NHeμh, तो ये दो एक्सप्रेशंस भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं, और एक मोबिलिटी का फॉर्मूला भी याद कर लें, मोबिलिटी जो होती है
होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सप्रेशन को भी याद कर लें। उसके बाद हम क्या देखेंगे किसी समय पे कि जो हमारे पास रो की वैल्यू होती है वो 1/NEμ होती है, एन की वैल्यू रख दें यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दिया 10^15, ई रख दें 1.6 × 10^-19 और म्यू रख दें 1100। इसको सॉल्व कर दें, ये वैल्यू मिलेगी हमें 3.472 ओम सेंटीमीटर। तो इस टाइप से ये हमारे पास में वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैंने जो ये वाली प्रॉब्लम मैंने अभी डिस्कस की थी, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ नेट में। हम क्या देख रहे थे, जो हमें क्वेश्चंस आया था वो साइकिल हमारी बेसिकली क्या हो रही थी, वो साइकिल नेगेटिव से शुरू हुई है, इस टाइप से साइकिल दे रखी है, यहाँ से साइकिल थी ये इस टाइप की। तो ये हमारे पास में जो नेगेटिव से ना होकर उस रीजन में जो सिग्नल है, क्योंकि नेगेटिव में है ये वैल्यू, तो ये सिग्नल का ये वाला रीजन जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कर्व को देख लें, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे, तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, वो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। और आगे भी मैं इस पे कुछ इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटर पे और वीडियो अपलोड करूंगा। दो तीन चीज मैंने और भी इसमें डिस्कस कर रखी हैं, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में रखें फ्रीक्वेंसी बराबर जो होती है 1/2πRC होती है, साथ साथ ये भी याद रखें कि टैंक सर्किट में अगर एल और सी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारा 1/2πRC। अगर हम किसी समय पर कॉलपिट ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बराबर 1/2πfLCT, और CT जो होता है वहाँ C1C2/C1+C2 होता है, फीडबैक फ्रैक्शन की रेशो C1/C2 होती है। उसके अलावा जो हमारा हार्टले ऑसिलेटर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F/1/2πL×C, और L की जो वैल्यू है वहाँ होती है L1+L2+2m। तो सारे एक्सप्रेशन याद कर लें, फॉर्मूले सब टिप्स पर रखें, तो आपको काफ़ी उसमें एडवांटेज सिचुएशंस में रहोगे। कुछ मैंने और भी वीडियो अपलोड कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनको भी देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनमें डिस्कस की हैं। कुछ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अभी आगे अपलोड करने वाला हूँ, तो इन्हें देखते रहें और इस चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें जो इसका कंटेंट है। और ये वीडियो गाँव में रहने वाले उन बच्चों के लिए समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, तो वहाँ तक इन्हें पहुँचाने में सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।